आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी है कलयुग का यही धर्म है। बहुत समय पहले की बात है, पहाड़ की तराई में नागपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने इकलौते बेटे किशन के साथ रहती थी, जिसका विवाह उसने अपने गांव से थोड़ी दूर बसे एक दूसरे गांव में कर दिया था। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटे किशन से कहा कि बेटा, अब मुझसे घर का कामकाज नहीं होता, तुम जाकर बहू को मायके से ले आओ, मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। माँ की बात सुनकर किशन अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल के लिए चल पड़ा। उसके ससुराल के रास्ते के बीच एक घना जंगल पड़ता था। वह जब जंगल के बीच से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे पर पेड़ों से गिरे हुए पत्तों और फूलों आदि में आग लगी हुई थी। उसने देखा कि इस जलती हुई आग के पास ही एक सांप की बिल है। बिल में से सांप बार बार अपना सिर बाहर निकाल रहा है, लेकिन आग की गर्मी के कारण सांप बाहर नहीं निकल पा रहा था। बुढ़िया के बेटे को आता देखकर सांप जोर से चिल्लाकर बोला, अरे भाई, मुझे इस आग से बाहर निकालो, तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। बुढ़िया के लड़के ने कहा, तुम तो सांप हो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम बिल में से निकलने के बाद मुझे काट सकते हो। सांप ने कहा कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम इस मुसीबत में मेरी जान बचाओगे और मैं तुम्हें काट लूंगा, ये कैसे हो सकता है, ऐसी बात तो सोची भी नहीं जा सकती, मुझ पर भरोसा रखो। सांप के बार बार आग्रह करने पर लड़के को सांप पर दया आ गई और उसने लाठी की मदद से सांप को आग से बाहर निकाल दिया। आग से बाहर निकलते ही सांप ने लड़के से कहा कि अब मैं तुझे काट लूंगा। सांप की बात सुनकर किशन हक्का बक्का रह गया। डर से कांपते हुए उसने कहा, लेकिन तुमने तो मुझसे ना काटने का पक्का वादा किया था। सांप ने हंसते हुए कहा, अरे तू मूर्ख है, ये कलयुग है, कलयुग में कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, यहाँ भलाई का बदला बुराई से दिया जाता है, यही इस कलयुग का धर्म है, मैं तुम्हें काटकर कलयुग का धर्म जरूर निभाऊंगा। लड़के ने कहा, यदि काटना ही है तो काट लो, पर मेरी तसल्ली तो करवा दो कि कलयुग का यही धर्म है। सांप ने लड़के की बात मान ली। लड़का सांप के साथ जंगल में चरती हुई एक गाय के पास गया। लड़का गाय को पूरी घटना सुनाकर बोला कि गाय माता, अब आप ही न्याय करो। गाय बोली कि सांप ठीक कह रहा है, तुम मुझे ही देख लो, घास खाकर दूध देती हूँ, खेती के लिए बछड़े बैल देती हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े होने पर यह इंसान मुझे कसाई के हवाले कर देता है, यही इस युग का न्याय है। सांप ने कहा कि अब तो तसल्ली हो गई कि मैं ठीक कह रहा हूँ। लड़का गिड़गिड़ाया और बोला कि किसी एक और से बात कर लेने दो, अगर उसने भी यही कहा तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लड़के ने सामने एक पेड़ को अपनी सारी कहानी सुनाई तो पेड़ ने भी यही कहा कि सांप ठीक कह रहा है। पेड़ कहता है कि मैं इंसान को शीतल छाया और मीठे फल देता हूँ, पर बदले में यह इंसान मुझे काटता है और मुझे आग में जलाता है। यह सुनकर लड़के ने सांप से कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे काटने का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्या तुम मेरे मरने से पहले उसे पूरा कर सकते हो। सांप ने कहा, बताओ। किशन बोला कि जब से मेरा विवाह हुआ है मैंने अपनी पत्नी का मुंह ठीक से नहीं देखा है, तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को देखकर वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे काट लेना। सांप ने कहा, मंजूर है, पर अपनी पत्नी से कोई बात मत करना और 3 घंटे में वापस लौट आना। लड़के ने सांप को इस बात के लिए हाँ कर दी और ससुराल के लिए चल पड़ा। जब लड़का अपने ससुराल पहुंचा तो दूर से ही उसने देखा कि उसकी पत्नी आंगन में कुछ काम कर रही थी।
उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उसकी पत्नी ने भी उसे देख लिया और वह उसे देखकर अवाक रह गई। वह कुछ पूछती इससे पहले ही लड़का वापस चल दिया। पत्नी ने सोचा कि जरूर कोई विपत्ति आई है। यह सोचकर वह भी उसके पीछे पीछे चलकर सांप तक पहुंच गई। सांप ने फुफकारते हुए कहा कि मैंने तो तुम्हें पत्नी से बात करने से मना किया था और तुम इसको भी साथ लेकर आ गए। तुम इसको क्यों लेकर आए हो? इस पर पत्नी ने कहा, इन्होंने तो मुझसे बात भी नहीं की, यह बिना कुछ बोले ही वापस आ गए, तो मैं इनके पीछे पीछे चली आई। लड़के ने अपनी पत्नी से बात करके सारी बात उसको बता दी और उसके बाद वह सांप से बोला कि अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तुम युग धर्म का निर्वाह करो। जैसे ही सांप लड़के को काटने के लिए तैयार हुआ, तभी उसकी पत्नी ने सांप से कहा कि थोड़ा रुक जाओ, तुम इन्हें काटने जा रहे हो, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इनके बाद मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी। सांप ने कहा, इसका समाधान मेरे पास है। अगर तुम मेरी बिल के 7 फेरे लेकर बिल को खोद लोगी तो तुम्हें सोने से भरे हुए 7 घड़े मिलेंगे, उससे तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लड़के की पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? मेरी तसल्ली के लिए मुझे 7 फेरे लेकर बिल खोद लेने दीजिए। सांप लड़की की बात मान गया। लड़के की पत्नी बिल के फेरे लेने लगी। 7वां फेरा पूरा होते होते उसने अपने पति के हाथ से लाठी छीन कर उस सांप के सिर पर जोर से मारी। चोट लगने के कारण सांप छटपटाने लगा और लड़की से बोला कि तुम तो बड़ी धोखेबाज निकली। तब लड़के की पत्नी ने कहा कि क्षमा करना सांप देवता, आप हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन मैं तो आपकी ही बात रख रही हूँ। आपने ही कहा है कि जहाँ भलाई का बदला बुराई है, इसलिए मैंने सोचा कि हमें आपने इतना बड़ा खजाना बताया है, इसके बदले में हमें भी तो कलयुग का धर्म निभाना पड़ेगा और आपके प्राण लेने पड़ेंगे। सांप का निर्जीव शरीर एक और धराशायी हो गया। लड़का और उसकी पत्नी खजाना लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।